हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। फिलहाल उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सतीश उके जी याचिका करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके संबंध में आज यहां पर जिला सत्र न्यायालय में हियरिंग हुई। पूरा मामला क्या है और क्या इसमें कहा गया? आज माननीय सर्वोच्च अदालत ने 1 अक्टूबर 2019 को जो देवेंद्र फडणवीस के फर्जी हलफनामा जो था 2014 के इलेक्शन के वक्त में उन्होंने दिया हुआ, उसके बारे में जो आदेश और जजमेंट पारित किया था वो रीट यहाँ पर 14 10 2019 को प्राप्त हुई जिला और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और उस आधार पर आज नए सिरे से जहाँ पे वो मामला रुका था उस स्टेज से फिर से वो मामले की सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने आज सारा युक्तिवाद हमारा जो हमारी दलील जो है वो सारी सुनी, और सुनी सुनने के बाद में अगले कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय ने मामला अभी रखा है। 1-2 दिन के में ही इसमें न्यायालय आदेश देगा और ये मामला अभी आगे शुरू होगा माननीय सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशानुसार, और फडणवीस जी को अभी ये ट्रायल फेस करनी पड़ेगी ऐसी अपेक्षा है। क्या फडणवीस जी अभी इस न्यायालय में आएंगे इस मामले को लेकर? जहाँ तक कानून के प्रावधान और ये इस मामले के तथ्य है, देवेंद्र फडणवीस जी को इस मामले में यहाँ पर कोर्ट अदालत में आना ही पड़ेगा। पूरा मामला क्या था? मामला ये था कि ये कानून है लोक प्रतिनिधि कानून 1951, इसमें सेक्शन 33A के हिसाब से और 125A के हिसाब से हर उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ता हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो या फिर लोकसभा का हो, उन्होंने उनके खिलाफ में जितने भी फौजदारी मामले पेंडिंग है, लंबित है न्यायालय में, उसमें माननीय न्यायालय ने उसकी दखल ली हो या फिर चार्जेस फ्रेम किए हो, वो इस तरीके के सारे मामलों की जानकारी उन्होंने देनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने 2014 के इलेक्शन के वक्त में चुनावी हलफनामा नाम निर्देशन के पत्र साथ देते वक्त उसमें दो फौजदारी मामलों की जानकारी दी नहीं थी, और दोनों मामलों में माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया हुआ था, कॉग्निजेंस लिया था, और देवेंद्र फडणवीस को समझ भी इशू किया था, और देवेंद्र फडणवीस ने अपीयर हो माननीय अदालत में हाजिर होकर अदालत में जमानत भी ली थी, बेल भी ली थी, और इस कारण देवेंद्र फडणवीस को ये दोनों प्रलंबित मामलों की जानकारी थी। फिर भी जो कि ये मामले जो है ये उनके क्लीन क्लियर इमेज को धोखा परेशानी दे सकते थे, उनकी क्लीन क्लियर इमेज को झूठला सकते थे, तो ये चीज़ को झूठलाने के लिए छुपाने के लिए उन्होंने ये दोनों पेंडिंग मामले हलफनामे में नहीं लिखे और छुपा के रखे, ये मामले थे। और ये जो है ये हरकत जो है उनकी ये 125 RP एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए ये मामला हमने न्यायालय में दाखिल किया था। हाल ही में वो नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, क्या उनके विधायक जो बने हैं उस पर भी इस मामले की कहीं ना कहीं आज गिर सकती है? कानून तो गिरनी चाहिए और इसके जो बारीकाई जो है ये आपको भविष्य में दिखाई देगी। क्या लगता है अभी न्यायालय ने आगे के कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? न्यायालय ने आज सारे मामले को फिर से सुन लिया है नए सिरे से, और हमें आशा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में इसमें न्याय देगा, निर्णय देगा। जबकि अब आज से मामला शुरू हो गया है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में, देवेंद्र फडणवीस फिर भी अभी CM पोस्ट के पोस्ट पर है, और वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके इस मामले के प्रोसीडिंग पे प्रभाव डाल सकते हैं, जनता पे ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, गवाह के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, हमारे ऊपर दबाव डाल सकते हैं, यंत्रणा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं इस मामले में उनके खिलाफ में जजमेंट ना आए, इसलिए और इस कारण हमारे गवाहों को और हमारे जान को भी डर उनके कारण पैदा हो गया है, इसलिए हम उनको CM पद से तुरंत दूर हटाने के लिए हम माननीय राज्यपाल जी को तुरंत ही अर्जी करने वाले। तो आप देख सकते हैं फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, और ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस जी CM पद के लिए जो कुर्सी का रस्सी के शुरू है उसी बीच में एक बड़ा मामला देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर फिर से सामने आया है। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं रजत जम्बूदरी।